कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक है। तो पहले घर से सब कैसे निकल लेता हूँ, कोई देख ना ले, तो निकल रहे अभी। तो क्या है कि फ्रेंड्स, सारा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर हो रहा था, तो उसी वक्त मेरा मतलब अभी शाम डालने वाला है, तो मेरा फ्रेंड आ गया है मुझे बुलाने के लिए, कहीं पे जाएगा तो मैं भी निकल पड़ा हूँ वहीं पे जहाँ पे जाएगा। तो कल तो जानते ही है क्या है, 15 अगस्त है, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और ये है मेरा फ्रेंड्स, ये आया है मुझे लेने के लिए, कहीं पे ले जाएगा, तो चलिए चलते हैं। हम अभी डायरेक्ट पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, हम आज कहाँ जाएंगे हमें खुद मालूम नहीं है, तो देखते रहिए क्या होता है। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें खुद मालूम नहीं है, तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या बोलो, आप जिससे बात करना चाहते हैं वो अभी 1100 में और सुबारी जमाने में बेस्ट है, कृपया थोड़ी देर वेट कीजिए, देखते हैं क्या होता है। आते आते हम टूटा हुआ रास्ता पकड़ लिया है अभी, मतलब यहाँ से रास्ता खराब निकलता है, तो कहीं पे जाऊँ हमें खुद मालूम नहीं है, तो देखते रहिए क्या होता है। लगता है हमारा मंजिल तक आ गए हैं, तो देखते रहिए क्या होता है। तो गाइस, हम आते आते नेपाली बाजार आ चुके हैं, क्या है कि यहाँ इस हमारे एरिया में ये मार्केट बहुत बड़ा है, तो इधर तो लगता नहीं है, इधर लॉकडाउन है। तुझे क्या लगता है, लॉकडाउन है क्या? नहीं, इधर लॉकडाउन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो गाइस, इस मार्केट का हालात देखिए आप लोग थोड़ा। बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे मार्केट बैठते कब कब है? ए बृहस्पतिवार एंड शनिवार। नहीं, रविवार। रविवार, हाँ, इस दो बार में यहाँ पे मार्केट बैठता है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो गाइस, यहाँ पे आने का हमारा एक ही मकसद है, क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्विच गेट है, तो हम आज इधर ही आए हैं, मतलब इस स्विच गेट की खासियत, मतलब स्विच गेट देखने के लिए आए हैं, तो थोड़े ही दिन में हमें मिल जाएगा वो हमारा स्विच गेट। तो क्या होता है, तो गाइस हम स्विच गेट रास्ते पकड़ लिए हैं,
तो ये बहुत खराब है ये रास्ता। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिल जाएगा हमारा वो स्विच गेट। क्या है कि हम रोज आते हैं, मतलब रोज का कहानी है ये, हम रोज आते हैं। तो मेरा फ्रेंड से बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ का नज़ारा बहुत सुहाना है, तो बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम रोज आते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। तो गाइस आज उसी तरह हर दिन की तरह आज मेरा फ्रेंड मेरे घर गया है और घर जाके मुझे सुटके से उठा के ले गया और मैं भी सुटके से आ गया। कोई नहीं जानता कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ। तो लीजिए आ ही गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली आ चुके हैं और पहले सबसे पहले ऊपर चढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो भी कहूँगा कहूँगा वो। तो पहले एक काम करता हूँ, ऊपर लेता हूँ, बहुत ऊंचा है ना, तो उठ रहा हूँ अभी। कैमरा पकड़ भाई, कैमरा पकड़ भाई। तो गाइस हम इधर फाइनली पहुँच गए हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को यहाँ से एक व्यू दिखा देते हैं कैसे दिखती है, तो देखते हैं क्या होता है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग सिंगल है और उस उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। तू क्या कहता है? हाँ ये भी है, बहुत अच्छा है। क्या है कि यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, मन का फीलिंग दुगना बढ़ जाता है। तो हम भी रोज आते हैं, ये भी आता है और हम लोग सिंगल है ना, सिंगल है हम लोग सिंगल है इसलिए आते हैं इधर रोज। तो मन का फीलिंग बदल जाता है, बिल्कुल तरह बदल जाता है। नेचुरल हवा है ना, इसलिए सब बदल जाता है। नेचुरली हवा आता है, बहुत सुंदर हवा आता है और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए आप लोग यहाँ से नज़ारा कैसा दिखती है। यहाँ से भी लगता है कि हम पहाड़ी पे चढ़ गए हैं, यहाँ से भी लगता है कि हम पहाड़ी पे चढ़ गए हैं, तो ऐसा कुछ बात है। तो इसलिए हमारे लिए ये जगह बहुत पसंदीदा जगह है। तो हम रोज आते हैं, रोज की बात है। तो देखते हैं क्या होता है। इधर का नज़ारा देख लिया है, तो अभी हम और कुछ जगह पे जाएंगे। तो क्या कहते हैं, कहीं पे जाएंगे? तो हम चलते हैं यहाँ से कुछ और जगह पे चलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। क्या है कि शाम ढलने वाला है, तो जल्दी से इधर निकलना पड़ेगा। और मेरा कैमरे का चार्ज भी ख़त्म हो रहा है, पावर बैंक लाया हूँ साथ में लेकिन पावर बैंक का चार्ज नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इधर से पहले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता पता जिंदगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी हॉस्पिटल के सामने हैं। आप लोग तो
जरूर सोच रहे कि ये लोग हॉस्पिटल के सामने क्यों आ गया है। तो गाइस क्या है कि इस ये जो मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड का रिश्तेदार का घर, कुछ रिश्तेदार का घर इधर है, तो हम लोग बचपन में इधर अक्सर आया करते थे, साइकिल लेके, छोटा छोटा साइकिल लेके अक्सर आया करते थे। तो उसी चक्कर में मेरा फ्रेंड का एक छोटा मोटा गर्लफ्रेंड था उस समय में। तो क्या है कि वो लोग उस समय में बहुत मजा करते थे, तो मैं तो सिंगल था, तो उसी बात को लेकर हैरान होकर, मन परेशान होकर बैठा रहते था, उदास होकर बैठा रहते था। लेकिन कुछ दिन बाद सुना है कि इनका फिनिश हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया। तो यार मेरा इज्जत मत निकाल। अबे कहने दे, जो सच है वही तो कह लूंगा ना। तो क्या है कि उस समय मैं बहुत खुशी हो गया था, पार्टी दिया था कुछ लोगों को, मेरा और दोस्त है उन लोगों को पार्टी दिया था। तो आप लोगों से क्यों खींच रहा है तो आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोगों को जैसे भी जिस तरह की भी लड़की चाहिए तो मेरा रुक रुक भाई कहने दे मेरा फ्रेंड के लिए चुन लीजिएगा, जैसे भी हो चलेगा। लेकिन पहले की नजारा देख के मुझे, आज की नजारा देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पहले मेरा फ्रेंड बहुत इंजॉय में था, लेकिन अब उदास उदास होके उस स्विच गेट पर जाके बैठा रहता है। तो क्या करे, आप लोग जैसे भी चलेगा, जैसे भी नहीं तो देख लेना, थोड़ा क्यूट सी सुंदर सी देख लेना, तो मेरा फ्रेंड के लिए देख लेना। और आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, छोटा मोटा एक वीडियो था, टाइम पास कर लिया। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात विनती करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि आप लोगों को मेरा दोस्त के लिए एक लड़की तो देना पड़ेगा। मिल जाए तो कमेंट में बताना। तो और क्या बाकी रहेगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है हाँ। अभी तो इसके लिए एक बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, बाय, मिलते हैं अगली ब्लॉग पर, तो देखते हैं क्या होता है।